जब मोदी जी कहे हैं पूरा भारत में तिरंगा यात्रा निकलेगा, तो हमारा तिरंगा यात्रा में क्या खेत था उनको? अडानी और अंबानी वो सोचते हैं कि ये जो हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी है ये मोदी के बाप की है। आप दूध महंगा कर दीजिए, आप तेल महंगा कर दीजिए, आप शराब सस्ता करके सारे युवाओं को आप शराब में डुबोना चाहते हैं। कहीं पर भी किसी को बोलने देता है, जो भी आदमी आवाज उठाता है उसको ठोकता है जेल में। इकोनॉमी देश का नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के यारों का बढ़ रहा है, और वो यार कौन है? अडानी और अंबानी है। अरे प्रधानमंत्री का दायित्व बनता है कि वो ज्यादा नहीं तो 3 महीने में एक पीसी करे। 8 सालों से कुर्सी पे बैठा है, एक पीसी नहीं करी आज तक। सरकार ये चाह रही है कि हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे लड़ा जाए युवाओं को। 10-10 करोड़ रुपए तो अडानी अंबानी के लोन माफ कर दिए, टैक्स माफ कर दिया, और वो क्या करेगा? हमें बेचेगा क्या वो? मंदिर और मस्जिद जो बनवाएंगे ना, वहाँ से घंटा बजाते हुए निकलेंगे। हम इस वक्त मौजूद है जंतर मंतर पर, जहां पर रोजगार आंदोलन समिति की तरफ से एक बड़ा आंदोलन है, जिसमें डिमांड है कि युवाओं को रोजगार मिले। जिस तरीके से लगातार जो है रोजगार घटता जा रहा है, पिछले 45 सालों के अपने चरम सीमा पर है बेरोजगारी, उसी को लेकर आज संयुक्त रोजगार आंदोलन समिति की तरफ से बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया है। लोगों से जानेंगे, क्या सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सतीश शर्मा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि रोजगार जो दिया जाता है वो किसी भी आरक्षण का आधार नहीं, उसका आधार होना चाहिए उसकी योग्यता, और योग्यता का आधार पे हो जाए तो इस देश में सारी संगति खत्म हो जाएंगे। ये होना चाहिए, तो ये मेरी विनती है। पहले ये बताइए, भारत सरकार से पहले रोजगार चाहिए या पहले आरक्षण चाहिए? आरक्षण की स्थान ही नहीं होना चाहिए, योग्यता तो आरक्षण नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? इसलिए नहीं होना चाहिए, योग्य व्यक्ति रिक्शा चला रहे हैं, भाग रहे हैं इधर उधर रोटी के लिए, चोरी कर रहे हैं, असामाजिक तत्वों से मिल रहे हैं। अरे ऐसा क्यों हो रहा है? देश का बेड़ा गर्क क्यों कर रहे हो? योग्यता का आधार बनाओ। और उन लोगों का क्या, जिनको सालों से जाति के नाम पर उनको बैकवर्ड रखा गया, उनको तो मौका मिलना चाहिए नहीं? अगर एक डॉक्टर को आप जाति के आधार पर आरक्षण दे देंगे तो कल्याण नहीं हो सकता रोगी का, रोगी जम लोगी पहुंचेगा फिर। हमारे देश के प्रधानमंत्री तो राष्ट्रपति बना दिए SC समाज की राष्ट्रपति को, महिला को। जब सब उन्नत हो जाएंगे ना, पहले भी होता था कालांतर में भी, उन्नत होने के बाद उन लोगों का ध्यान रखा जाता था जो कमजोर वर्ग के होते थे, उनको अपने आप लोग देते थे। इसमें कोई जरूरत नहीं है, ये बेकार की राजनीति की जा रही है, तुच्छ राजनीति का सहारा लिया जा रहा है। इसको स्वच्छ बना करके देश के विकास में काम करना चाहिए। अच्छा, आरक्षण नहीं होना चाहिए या जाति के नाम पे नहीं होना चाहिए? मैं कह रहा हूँ आरक्षण ना तो जातिवाद पर होना चाहिए, ना आरक्षित जातिवाद ही समझो, उस पर नहीं होना चाहिए। होना जो EWS पे जो मिला हुआ है, जो आर्थिक तौर पर कमजोर है, वो अब कमजोर कोई नहीं है जी, सारे अमीर है। जिसके पास समय है सबसे बड़ा अमीर है, भगवान ने समय दिया हुआ है। एक समय आप धीरू भाई अंबानी का पूरे वर्ल्ड का पैसा लगा करके समय को वापस नहीं ला सकते, ये बीता हुआ भी, अभी जो आप मैं आपके पास आऊँ वो समय वापस नहीं आ सकता। धन लगा दो पूरा, तो इतना मूल्य चीज दे रखी है प्रभु ने, उसका सत्यानाश क्यों कर रहे हो? जितने दिन दे रहे 50 रन नहीं बनते, 60 पे आउट हो जाते हैं सारे, मर जाते हैं बेचारे 60 से पहले। तो भैया उनको दे दो, उनको रोजगार दो, उनको काम करने दो, आगे और को सारा अपने आप मिल जाए। सर ये तो बताइए, जो पहले तो रोजगार है या नहीं है देश में, ये रोजगार है कहाँ? खत्म कर दिए, भाई बाद और भतीजावाद हो गए हैं, यहाँ पे सारे दोस्तवाद हो गए हैं, 4 दोस्तों को मिल रहा है सारा माल। अरे बाकियों को भी दो ना। कौन दोस्त? 4 दोस्त ही तो हैं जो ले ले करके बैंक का कर्ज भाग जाते हैं बाहर। कौन है नाम? तो सुशील मोदी, नीरज मोदी, किस किस का नाम लूँ मैं, बहुत सारे हैं, नाम मत लियो, यहाँ पे और राजनीति बन जाएगी, क्योंकि आदमी कौन है इसको पकड़ो। तो जो पैसा लेके भागे वो तो आरक्षण नहीं लेते थे? आरक्षण नहीं लेते, आरक्षण की बात ही नहीं कर रहा मैं, आरक्षण को हटा दो, ये कोई शब्द नहीं है। आपने कहा कि आरक्षण के आधार पर रोजगार नहीं होना चाहिए, लेकिन जिन जो पैसा लेके भागे हैं देश का मोटा, वो तो आरक्षण की कैटेगरी में नहीं आते थे। क्या जरूरत है, वो तो खुद ही चोर है, चोरी कर रहे हैं, उसको आरक्षण की जरूरत है? वो तो चोरी कर रहे आरक्षण वालों की भी, सबकी चोरी होने से देश निर्धन होता जा रहा है, धनवान कब बनेगा ये?
अरे 75 साल हो गए, 75 साल में जो हांडी हाथ में लेकर घूमते थे बड़े बड़े काले काले, उनके देशों में ऐसे सड़क बनती है और ऐसे मशीनें चली जाती हैं। ये देश आज भी बेरोजगारों से भरा हुआ है। अरे बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। बेरोजगारी नहीं है, उसके लिए आरक्षण कहाँ से जिम्मेदार हुआ? आरक्षण जिम्मेवार है। तुम जब उसमें अलग 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 चीजें बना रहे हो तो वो अपने लिए लड़ेगा, वो अपने लिए लड़ेगा, वो अपनी जातिवाद के लिए लड़ेगा, वो आरक्षणता के लिए लड़ेगा। जब रोजगार ही नहीं है तो आरक्षण तो जब मिलेगा ना, जब रोजगार होगा। तो ये अभी रोजगार ही नहीं है। के हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी का मुद्दा है ये, उनको इस बारे में विचार करना चाहिए, समिति बनानी चाहिए और रोजगार देना चाहिए। क्यों नहीं देते? वो प्राइवेट रोजगार दे रहा हमारा दिल्ली सरकार का मुख्यमंत्री, सबके कंपनियों को बुला बुला के। प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं रोजगार दे रहे हैं। वो मंदिर बन गया, 370 हड़िया, चाय पकौड़ा बेचो। हाँ ये तुम्हारा धन्यवाद। वो कहते हैं कि तुम पढ़ लिख करके ना और झाड़ू लगाओ, मतलब ऐसे काम करो जो और बेरोजगारी बढ़ जाए। सारे अगर पकौड़े बनाने लग जाए, खाने वाले कहाँ चलाएंगे मेरे भाई साहब? खाने वाले कहाँ जाएंगे? पैसे जेब में होंगे तो मैं पकौड़े खा सकता हूँ, जब मेरी जेब में पैसा ही नहीं है, मैं भूखा मर रहा हूँ, रोजगार नहीं हूँ, कहाँ से पकौड़े खाऊंगा? तलते रह जाना, तलने का तेल भी नहीं आएगा उनके पास। ये गलत है। सबके साथ रोजगार होना चाहिए, मीडिया भी साफ सुथरी होनी चाहिए। जैसे आप निसंकोच मेरे से मेरी बात को सुन रहे हैं, क्या आज तक वाले मेरी बात को सुनेंगे? मीडिया क्या काम नहीं करती अपना? इस देश की मीडिया तो सबसे ज्यादा मजबूत है, सबसे ज्यादा मोदी जी का प्रचार करती है। देखिए निष्पक्ष होनी चाहिए और निष्पक्षता आप जानते हैं एक ही तरह बोली जाती है निष्पक्षता, जैसे आप दिखा रहे हैं ऐसे चैनल को उठाना चाहिए। ये मैं कह रहा हूँ क्योंकि आप मेरे साधारण व्यक्ति के बातों को वक्तव्य को सुन रहे हैं और बड़े प्यार। यहाँ क्या कह रहे थे आप? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शरद शर्मा है, मैं मध्य प्रदेश के भोपाल क्षेत्र से आया हूँ जी। मैं ये कह रहा था, आप जो बोल रहे हैं अभी कि मीडिया अपना काम कर रही नहीं कर रही, हम देख रहे हैं सारे जितने भी हमारे टीवी चैनल, न्यूज़ चैनल, टेलीविज़न पे आते हैं, उसमें एक भी बार रोजगार आंदोलन का जिक्र किया गया? हमारे साथियों को नंदगिरी से गिरफ्तार किया गया। हमारे साथियों को पहले दिन तो 16 अगस्त के दिन हम लोगों ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था, ठीक है ना, मगर मोदी जी के सरकार के द्वारा, पुलिस द्वारा उस आंदोलन को वो करवाया गया, विघ्न डाला गया और आंदोलन रद्द करवाया गया। ठीक है, हम उसको मानते हैं, हमने नहीं किया आंदोलन, तो उस आंदोलन में जब मोदी जी कहे हैं पूरा भारत में तिरंगा यात्रा निकलेगा, तो हमारा तिरंगा यात्रा में क्या खेत था? उनको युवाओं के तिरंगा यात्रा में क्या खेत था? उसमें भी तो युवा थे और उसमें भी तो तिरंगा यात्रा निकला था। तो जो राष्ट्रभक्त पार्टी होगी या जो राष्ट्रभक्त होगा वही तिरंगा यात्रा निकाल सकता है? क्यों निकाल सकता? हम राष्ट्रभक्त नहीं है? हम झंडा लेके हम भारत माता की जय बोलते हैं। आपके नेता तो पकड़े जा रहे हैं ईडी सीबीआई के छापे। अरे क्या उनके यहाँ लाख लाख रुपए मिला है क्या? बंदूक मिला? आप बताइए ना, आप बताइए कितना पैसा मिला है? बताइए, आप बताइए, आपके पास शराब में घोटाले का आरोप है? शराब में घोटाला? हम मध्य प्रदेश से आते हैं, रुक जाइए एक सेकंड, हम मध्य प्रदेश से आते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी का, चौहान जी का सरकार है, 15 साल लगभग हो गया, बीच में 2 साल का कांग्रेस भी आया था, मगर बीजेपी वाले खरीद लिए विधायक को तो वापस बीजेपी का हो गया। वहाँ हमारे शिवराज सिंह जी, मामा कहते हैं उन्हें, वो मामा नहीं कंस मामा है, मैं बताना चाहता हूँ, शिवराज सिंह जी कहते हैं कि हर घर शराब बिकेगी, तो यही है बीजेपी सरकार का मुद्दा, हर घर शराब। आप दूध महंगा कर दीजिए, आप तेल महंगा कर दीजिए, आप शराब सस्ता करके सारे युवाओं को आप शराब में डूबोना चाहते हैं। मैं यही कहूँगा, बीजेपी सरकार सारे युवाओं को शराब में डूबोना चाहती है। ये स्कीम तो दिल्ली सरकार भी अभी लेके आई थी, एक पे एक फ्री जी, एक पे एक फ्री शराब की जो बोतल थी जी, जी। एक पे एक फ्री दिल्ली सरकार स्कीम। हमारे मध्य प्रदेश में तो घर घर खुलवा दिया गया है दारू का वो खाना, हर घर में खुलवा। मामा जी बोले हैं जिनको परमिशन नहीं मिला हम देगा, मगर मामा जी से मैं यह पूछना चाहता हूँ, आप अपने भांजे को रोजगार नहीं देंगे मगर आप शराब बिकवाएंगे? आप शराब बिकवाने की जगह आप रोजगार दीजिए ना बच्चों को। अब रोजगार जो युवा है उनको रोजगार दीजिए, आप क्यों नहीं दे रहे हैं रोजगार? रोजगार नहीं है, नहीं है रोजगार। आप बताइए, मोदी जी कह रहे हैं पकौड़ा तलना रोजगार है, मानते हैं हम पकौड़ा तल लेंगे, हम प्रधानमंत्री, हम विश्व गुरु बनने के लिए पकौड़ा भी तल लेंगे, मगर गैस सिलेंडर का दाम कितना है अभी आज के टाइम पे? गैस सिलेंडर का दाम कितना आप बताइए, आपके आंकड़ों में आता है तो मैं आपसे पूछूंगा, गैस सिलेंडर का दाम पिछले
75 वर्षों में 1000 से ऊपर गया है, ये इतिहास बना रहे हैं क्या? महंगाई का इतिहास बनाना चाहते हैं मोदी जी, विश्व गुरु की बात करते हैं। आप बताइए रिफाइंड तेल भैया, एक बात बताइए, महंगा अगर सिलेंडर बिकेगा तो उससे देश की इकोनॉमी मजबूत होगी, राष्ट्र मजबूत होगा, दुनिया भर में डंका बजेगा। इकोनॉमी की बात करते हैं, इकोनॉमी देश का नहीं बढ़ रहा है, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के यारों का बढ़ रहा है। और वो यार कौन है? अडानी और अडवाणी, अडानी और अंबानी है, सिर्फ और सिर्फ इनका ये डंका बजवाना चाहते हैं और युवाओं के बारे में नहीं सोचते। आप इकोनॉमी की बात करते हैं, आप बताइए शराब बिकवाने से इकोनॉमी बढ़ती है? अडानी अंबानी को अपना कंस्ट्रक्शन प्राइवेटीकरण करवाने में इकोनॉमी बढ़ती है? हैं आप रोजगार, हम तो बोलते हैं मोदी जी आप हमारा रोजगार नीति जो है उसको लागू करवा दीजिए, हम युवाओं को कोई आपत्ति नहीं आपसे। तो मगर मोदी जी, अगर मोदी जी हम ये बात उस देश को बताना चाहते हैं, भारत देश को, ऐतिहासिक भारत देश हमारा महान है, वो विश्व गुरु अभी भी है, मगर इस देश का जो हमारा व्यवस्था है उस चीज को ये मोदी जी छल रहे हैं, युवाओं को छल रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि एक युवा रोजगार की तलाश में इधर उधर भटक रहा है, अपना आत्महत्या कर रहा है, तो ऐसा क्यों होता है? आप अग्निपथ लाए, हम ठीक है अग्निपथ लाए, आप अग्निपथ जो बालक जो बेटा बेटी 8 साल से सिर्फ और सिर्फ आर्मी की तैयारी कर रहे थे वो सिर्फ 4 साल भर्ती देंगे। और अगर मैं ये कहना चाहता है कि अगर 4 साल अग्निपथ दे दिए ना, तो हम कहते हैं आप अपने बेटा बेटियों को इंजीन में ज्वाइन करवाइए, आप अपने बेटा बेटियों को पहले इनमें शहीद करवाइए, फिर हम युवाओं के बारे में सोचिए, आप पूरे भारत के युवाओं को फिर सोचिए, पहले आप अपने बेटा बेटी को इनमें ज्वाइन करवाइए। तो अग्निपथ में तो स्कीम में भर्तियां चालू है, लोग जा रहे हैं, तमाम फॉर्म भर रहे हैं। मेरे भैया मैं आपसे फिर पूछना चाहता हूँ, जब हमारे देश में रोजगार नहीं है, आत्महत्या करने से अच्छा वही ना होगा? आत्महत्या जो कर रहा है व्यक्ति, उसके घर में आत्महत्या करने से पहले एक व्यक्ति अपने पूरे परिवार के बारे में, पूरे समाज के बारे में सोचता है कि मुझे लोग बुझदिल समझेंगे, ठीक है ना, इसीलिए वो मजबूर है उनकी। मगर सरकार को क्या लेना देना है, सरकार तो कर दे हमारी रोजगार नीति लागू कर दे, तभी तो रोजगार मिलेगा पूरे देश के युवाओं को। मगर सरकार नहीं चाह रही, सरकार यह चाह रही है कि हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर लड़ा जाए, युवाओं को इधर उधर दौड़ाया जाए। हम मांगने जाते हैं किसी बीजेपी कार्यालय के सामने, मांगने जाते हैं अपना रोजगार, तो ये डंडों से पिटवाती है, पुलिस वालों से बिलवा के पानी डलवाती है, ऐसा क्यों करती है सरकार? आखिर ये सरकार इस देश की नहीं है क्या? सिर्फ और सिर्फ अडानी अडवाणी की है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोगों के आंकड़े, न्यूज वालों के आंकड़े ही हमारे पास आते हैं, हम कहीं से खोज नहीं किए हैं कि मोदी जी ये कर दिए, आपके आंकड़े ही हमें बताते हैं जी। चलिए तो और लोगों से बात करेंगे, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरीके से बेरोजगारी का आलम है, युवा हताश है, आज देश में 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है जो बेरोजगारी दर है, लेकिन सरकार इस पर कोई ऐसा आश्वासन नहीं देती है, ऐसे युवाओं के लिए कोई ऐसा कदम नहीं उठाती दिख रही है जिससे युवाओं को भरोसे में लिया जा सके। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अभिषेक कुमार नाम हुआ, मैं बिहार से हूँ। सबसे दुर्भाग्य, रोजगार चाहिए। हाँ, सबसे दुर्भाग्य तो मुझे तब लगी जब 15 अगस्त से पहले सरकार द्वारा हर एक राज्य और हर एक जिले और हर एक गांव कस्बे में तिरंगा यात्रा निकाली जाती थी। जब हमने नंद नगरी से अपना तिरंगा यात्रा रोजगार को लेकर निकाला, तो मुझे वहां से बैरिकेड, पुलिस के बैरिकेड लगा के, वाटर कैन लगा के तिरंगा का पुलिस द्वारा अपमान किया गया और मुझे रोक दिया गया वहाँ पे। और फिर जो है हमने वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से 3 दिन, वो तो बता दिया, वो आपके दोस्त थे उन्होंने बता दिया किस तरीके से। अब ये बताइए, आपकी तो बिहार से आप हैं, बिहार में सरकार बदल गई, तेजस्वी यादव ने कहा है कि पहले मीटिंग में, कैबिनेट मीटिंग में 10 लाख रोजगार देंगे, सर क्यों जरूरत है? सर बिहार में तो ऐसे ऐसे गाँव है जिस गाँव में ही 10 लाख युवा अभी डिग्रीधारी ग्रेजुएट है, बिहार में तो ऐसे ऐसे 10 लाख रोजगार से क्या होगा? बिहार के शिक्षकों का हाल देखिए, जिन्होंने अपने समान वेतन के लिए रोजगार आंदोलन किए, तो उन्हें डंडे से पिटवा के जेल के अंदर, जहाँ बीजेपी की सरकार थी उन्हें डाल दिया गया जेल के अंदर। ये क्या ऐसा होना चाहिए? एक शिक्षक और दूसरा शिक्षक दोनों तो बराबर है, दोनों तो सरकार के अनुसार के हैं, दोनों के पास डिग्रीधारी, दोनों तो समान बच्चों को अपना शिक्षा देते हैं, पर सरकार में क्या ऐसी नफरत आ गई जो शिक्षक, एक शिक्षक को 500 रुपये और एक शिक्षक को 1000 रुपये इस तरह के देते हैं? क्या शिक्षक में भी दो तरह के, उन्होंने तो हमारे शिक्षक हमारे गुरु को बांटने के प्रयास किया, ये तो अंग्रेज से भी बेकार राजनीति कर रही है।
सर क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धर्मपाल है जी, मैं हरियाणा से आया हूँ। आपको भी रोजगार चाहिए, ये तो समझ में आता है, युवा है आप तो, आपका तो अगर हो गई पेंशन खाइए। मुझे रोजगार नहीं चाहिए तो मेरे बेटे बेटियों को तो चाहिए, क्या उनको भी नहीं चाहिए? वो इस देश के वासी नहीं है क्या? उन्होंने इस हिंदुस्तान में जन्म लिया, वो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, क्या उन्हें रोजगार नहीं चाहिए? चलो मेरे को तो नहीं चाहिए, मेरे बेटी बेटियों को तो चाहिए। ये जो छोटे छोटे सारे बच्चे फिर रहे हैं ये किसके हैं? अगर सोचे तो ये सारे हमारे हैं, नहीं तो ये किसी के नहीं है। तो रोजगार तो चाहिए, तभी आए हैं, और किस लिए आए हैं? बच्चों को रोजगार मिलेगा तो हमारा भी टाइम पास अच्छा हो जाएगा, अगर उनको रोजगार नहीं तो हमारी तो जिंदगी बर्बाद है जनाब। हरियाणा में तो बीजेपी जेजेपी अच्छा कर रही है, कह रहे तमाम रोजगार है, कुछ नहीं कर रही है जी, अपने घर भर रहे हैं सारे। दुष्यंत है वो अपना घर भर रहा है, शराब माफिया शराब बेच रहा है अपना घर भर रहा है, खट्टर के रिश्तेदार हैं वो मालो माल हो रहे हैं, सारा अड़ंगा बेचे जा रहे हैं, ये ऐसे सोच रहे हैं। ये वो आदमी है, एक कहावत है कि सावन के महीने में जो आदमी अंधा हो जाता है ना, उसको फिर सारी तरफ हराई हरा दिखते हैं। ये इतने मतलब सालों के बाद इनको ये सत्ता हाथ लगी है, ये सोचते हैं भी कांग्रेस ने 65 साल में जो काम नहीं किया था हम उसको 10 साल में निपटा कर चले जाएं, सब कुछ बेच दें, क्योंकि मोदी और योगी और ये अमित शाह और उनके दो बेटे अडानी और अंबानी वो सोचते हैं कि ये जो हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी है ये मोदी के बाप की है, तो मैं इनको, मोदी सोचता है कि मैं अपने दो बेटों को इनको दान में दे जाऊं, पर ये हिंदुस्तान है। इंदिरा गांधी आई थी, उसने इमरजेंसी लगाई थी, उससे तो ये तकड़े डिक्टेटर नहीं है, वो बहुत तकड़ी डिक्टेटर थी, लोगों ने उसको भी कुर्सी से उतार दिया। तो प्रधानमंत्री डिक्टेटर है और क्या है, आप क्या समझते हो? कैसे डिक्टेटर? अरे क्या छोटा है, कहीं पर भी किसी को बोलने देता है, जो भी आदमी आवाज उठाता है उसको ठोकता है जेल में, बगैर लगाए इमरजेंसी है, एक तो इमरजेंसी घोषित हो जाती कोई है। राष्ट्र विरोधी काम करेगा, प्रधानमंत्री से सवाल करेगा, कौन करेगा? किसको टाइम देता है सवाल करने के लिए? अरे प्रधानमंत्री का दायित्व बनता है कि वो ज्यादा नहीं तो 3 महीने में एक पीसी करे, 8 सालों से कुर्सी पे बैठा है, एक पीसी नहीं करी आज तक, एक भी पीसी। डरता है कि कोई रवीश पत्रकार जैसा कोई आके किसी ने पूछ लिया भी आप क्या कर रहे हो, आप देश के लिए क्या कर रहे हो, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। एक ही चीज़ है, मंदिर मस्जिद जात पात, और जब कोई बड़ा काम करना होता है तो वो किसी के ऊपर रेट डलवा के और उस पब्लिक को उसके बाद उसको लगा देता है। जैसे अब मनीष सिसोदिया के कहते हैं कि इन्होंने शराबबंदी की जो नीति थी वो बहुत गलत थी। क्या गलत था भाई? तुमने अपने मित्रों के माफ किए हैं कोरोना के कारण, मान लो मैं बंदा हूँ और आप हो, 3 आदमी हैं, मोदी जी अपने मित्रों के पैसे माफ कर रहे हैं, कहाँ नहीं करिए हैं, 10-10 करोड़ रुपए तो अडानी अंबानी के लोन माफ कर दिए, टैक्स माफ कर दिया, और वो क्या करेगा, हमें बेचेगा क्या? वो हम बिकने वाले नहीं है। भगत सिंह भी किसी माँ का बेटा था, हम उसी की संतलत में जन्म लिया हुआ है, जब जरूरत पड़ेगी ना तो भगत सिंह की तरह हम भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, इसको इनको नहीं छोड़ेंगे, इन धर्मटियों को। एक बात बताइए, आज जो पूरा देश है वो मोदी जी पे भरोसा करता है, उन्होंने जो वादे किए थे 370 हटा दिया, राम मंदिर बनवा दिया, जो वादे किए थे वो सारे फुलफिल कर दिए, रोजगार का तो उन्होंने वादा ही, 370 हटाकर किसको वहाँ प्लाट दिया है? कोई एक गरीब आदमी वहाँ प्लाट खरीदने गया है? 370 अडानी और अंबानी के लिए हटाई है भी, वो वहाँ जाकर अपने इंडस्ट्रीज खोलें और धन कमाएं। 370 कौन सा किसी एक व्यक्ति का हाथ पकड़ कर मोदी कह दे कि मैंने इसको वहाँ जम्मू कश्मीर में एक प्लाट दिलवाया है, किसी को भी हाथ पकड़ के कह दे कि मैंने इसको वहाँ दिला दिया। अपने लिए हटाई है 370, किसी के लिए नहीं हटाई। मंदिर और मस्जिद जो बनवाएंगे ना वहाँ से घंटा बजाते हुए निकलेंगे, शिक्षा नहीं मिलेगी, कटोरा देगा हाथ में, भीख मांगो और टाइम पास करो। मंदिरों में क्या है, मैं एक आवाज बताता हूँ, एक सास और एक बहू थी, सास अनपढ़ थी, बहू पढ़ी लिखी थी, सास कहती कि घर के अंदर देवी देवताओं को पूछ, वो कहती मैं नहीं पूछूंगा, उनकी आपस में तकरार हो गई। एक दिन सास कहती बहू को कि चल
माता के मंदिर में जाते हैं, वो बोली भी चल चलते हैं, चली गई। जब वो मंदिर के नज़दीक गई, सास आगे निकल गई, बहू पीछे रुक गई। सास ने आगे जाके देखा कि बहू तो आई नहीं, आवाज़ लगाती कि बेटा आ जा, कहती माँ नहीं आऊँगा मैं, ये शेर खा जाएंगे। माता के मंदिर के आगे बड़े बड़े शेर थे, कि ये माता जी ये शेर खा जाएंगे। कहता बेटा ये नहीं खाते, मैं खड़ी हूँ मुझे नहीं खाते तेरे। कहता नहीं माता जी मैं नहीं आऊँगी, शेर मुझे खा जाएंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, खा जाएंगे। वो सास कहने लगी अरे ये तो पत्थर के हैं, तुझे कैसे खा जाएंगे। बोला घर में जो रखे हुए पत्थर उनको पूजने से क्या मिलता है, अगर ये नहीं खाते तो वो क्या प्रसाद खाएंगे। कुछ नहीं, मंदिर मस्जिद में तो जाएंगे तो सिर्फ गुरु घंटाली बनकर आएंगे। देश को अगर आगे बढ़ाना है शिक्षा नीति लागू करनी पड़ेगी, तब देश आगे बढ़ेगा। मैम क्या नाम है? मेरा नाम सविता है और आर के प्रेम विधानसभा से हूँ। तो आपको भी रोजगार चाहिए? हाँ मेरे बच्चों को रोजगार चाहिए, मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, रोजगार लायक हैं, तो मैं उनके लिए आवाज़ नहीं उठाऊंगी तो कौन उठाएगा। मोदी जी तो कह रहे तेल पकौड़ा बेचो, सेल्फ खुद का बिजनेस शुरू करो, आत्मनिर्भर बनो। खुद पकौड़े क्यों नहीं बेच रहे? वो खुद भी बेच रहे। उन्होंने चाय बेची जब टाइम था, चाय हमें क्या पता, हमने देखी है चाय बेची कि नहीं बेची। वो तो सब कुछ करते हैं, दुनिया में ऐसा कोई काम है जो मोदी जी ने ना किया हो? वो आज से 50 साल पहले जब पैदा भी नहीं होंगे ना तब वो काम करके आए हैं, वो तो अपने माँ के पेट में से ही पैदा काम करते आ रहे हैं। वो तो ऐसा कोई काम है जो उन्होंने ना किया? जिस देश जिस राज्य में जाते हैं, मैं यहाँ पे बड़ा सक्रिय था, मैंने ये काम किया। मोदी जी देश के लिए इतना काम करते हैं कि 18-18 घंटे सो नहीं पाते हो। पिछली बार आप लोग जो है मोदी जी को नीचा दिखाने के लिए रोजगार मांग रहे हैं, जबकि आप खुद से अपना बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस तो कर सकते हैं, जब ना कुछ और होगा तब 2 करोड़ सरकारी नौकरियां खाली पड़ी है, वो भरते क्यों नहीं हो? मोदी जी भरे ना उनको, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? सरकार की नीतियां तो सारी खत्म करते जा रहे हैं, प्राइवेट किए जा रहे हैं। प्राइवेट में हम ईस्ट इंडिया की कंपनी की तरह से प्राइवेट कंपनी आएगी, हमारा खून चूसेगी, वो हम पे गुलामी करवाएगी, पहले की तरह हम गुलाम हो जाएंगे। वो अमृत महोत्सव मना रहे हैं, किस तरह का क्या अमृत महोत्सव है? जब आदमी भी हर सुख चैन उसका छिनता जा रहा है तो किस बात का अमृत महोत्सव है? आप खुद सोच सकते हो क्या अमृत महोत्सव है हम लोगों के लिए? अभी देखो अमृत महोत्सव के दिन ऐसी बच्चे की दलित हत्या हो गई, वो सिर्फ पानी पीने गया था, बच्चे को क्या पता है? वो आज़ादी 75 साल बाद भी इस तरह की घटनाएं घटित हो रही है, तो क्या आज़ाद हम आज़ाद हैं उस हिसाब से? नहीं है। देश तो अमृत काल में है, सब कुछ अच्छा है, घर घर हर घर तिरंगा है। भैया समय तो आता है और जाता है, पहले भी आए हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी, हम भी लड़ेंगे अपने हक की लड़ाई के लिए, और हक की लड़ाई लड़ेंगे तभी हम आज़ाद हो पाएंगे। अभी तक पूरी तरह से देश आज़ाद नहीं है, क्योंकि हमारी अभी भी कुरूतियों में घुसा हुआ है हर इंसान, जातिवाद में घुसा हुआ है, बेरोजगारी में घुसा हुआ है। मैं उसके साथ किसी तरह का कोई वो नहीं है कि अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता। अब देखो आंदोलन कर रहे हैं ना, अभी रोजगार आंदोलन वहाँ था नंदनगरी में, उनको प्रोटेस्ट उनको उठा लिया गया वहाँ से, उनको छोड़ के कहाँ छोड़ के, महिलाओं को वो उधर यूपी में, अरे यूपी में तुम महिलाओं को छोड़ के आ रहे हो, तुम्हें कोई इज्जत है कि नहीं है? दिल्ली की महिलाओं को तुम यूपी में छोड़ के आ रहे हो, कोई रात बिरात में उन महिलाओं के साथ कुछ दुर्व्यवहार होगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसकी जिम्मेदारी आंदोलनकारी ये करता है वो ही खुद ही होंगे, क्योंकि क्या है कि हम लोग अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं ना वो हमेशा परेशान और पिटता है, क्योंकि जिस तरह से हमारे शहीद भगत सिंह ने इतनी यंग एज में अपने आप की हक की आवाज़ लड़ाई लड़ी थी, वो भी शहीद हुआ था, तो हम भी इसी तरह से हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। हमारी आवाज़ को चाहे कितना ही कुचला जाए, कितना ही दबाया जाए, लेकिन हम लोग अपनी आवाज़ को कुचलने नहीं देंगे, हम आवाज़ उठाते रहेंगे। चलिए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग महिलाएं सब लोग जो है यहाँ पर आई हुई है, मुद्दा सिर्फ यह है कि उनके बच्चों को रोज़गार मिले। जो युवा हैं वो खुद अपने लिए रोज़गार मांग रहे हैं, और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर देश के तमाम हिस्सों से जो है यहाँ पर युवा जमा हुआ है जो रोज़गार मांग रहा है। लेकिन ये चीज़ें आपको मीडिया में देखने को नहीं मिलेगा। मीडिया में क्यों देखने को नहीं मिलेगा वो आप लोग बखूबी जानते हैं, क्योंकि मीडिया जिस तरीके से एजेंडे पे काम करता है वो रोज़गार के शिक्षा के मुद्दे पे बात नहीं करता। लेकिन जंतर मंतर से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर देश भर के युवा यहाँ आज जमा हुए हैं, राष्ट्रीय रोज़गार
आंदोलन समिति की तरफ से ये आंदोलन किया जा रहा है। इससे पहले नंद नगरी में चल रहा था, वहाँ पर इन पर लाठियाँ भाजी गई, आज ये जंतर मंतर पहुँचे हैं। हमने आपको बात करके दिखाई कि जो बुजुर्ग है, जो महिला है, जो युवा है, वो किस तरीके से सोच रहे हैं और जिस तरीके से लगातार बेरोजगारी युवा दर बढ़ती जा रही है। आज़ादी के 45 साल बाद ऐसा देखने में आया कि बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ती जा रही है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये हम तस्वीरें दिखा रहे थे, मीडिया में ये तस्वीरें आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मीडिया जो है वो जो दिखाता है वो प्रचार है, और असली खबर जो है वो सड़क पर है, रोड पर है, असली मुद्दे सड़क पर है, जहां पर मेनस्ट्रीम मीडिया नहीं पहुंचता है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ जंतर मंतर, दिल्ली।